कठो में बनी के सत्ती हाई स्कूल में अजीबो गरीब हालात बन गए। यहाँ एक एक कर स्कूल के दर्जनों विद्यार्थी खासकर छात्राएं अजीब व्यवहार करने लगी। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि छात्राएं ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे तड़प रही हो। कक्षा के भीतर से लेकर बाहर स्कूल के मैदान में भी विद्यार्थी जमीन पर लौटते और कांपते नजर आए। स्कूल में एक प्रकार से कोहराम मच गया। स्कूल स्टाफ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ साथ एसडीएम बनी को सूचित किया, जिसके बाद एसडीएम बनी जोगिंदर सिंह जसरोटिया मेडिकल टीम के साथ फौरन स्कूल में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला मास हिस्टीरिया का लग रहा है। मेडिकल टीम ने जांच की और सभी विद्यार्थी को स्वस्थ पाया है। किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत सामने नहीं आई। इसके साथ ही बच्चों की काउंसलिंग भी की गई। उधर स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब एक सप्ताह से बच्चों को खासकर छात्राओं के लगातार अजीब व्यवहार करने के मामले सामने आ रहे हैं। मामला शुक्रवार को और भी बिगड़ गया जब 40 से 50 बच्चे अचानक स्कूल में अजीब व्यवहार करने लगे। स्कूल स्टाफ के लिए भी बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले स्कूल में 2 से 3 लड़कियों को भी इसी तरह की दिक्कत सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें छुट्टी कर घर भेजा गया था और परिवार वाले उन्हें इलाज के लिए पठानकोट ले गए, लेकिन कोई भी बीमारी का पता नहीं चल पाया। वीरवार को भी स्कूल में देखते ही देखते 10 से 12 छात्राएं ऐसे ही अजीबोगरीब हालत में चली गई, जिन्हें नियंत्रित किया गया और परिजनों को भी सूचित किया गया। शुक्रवार को मामला और भी बिगड़ गया जब सबसे पहले 9वीं कक्षा की एक छात्रा और उसके बाद देखते ही देखते सभी कक्षा में छात्राएं अजीब व्यवहार करने लगी। कुछ छात्राएं नाचती रही तो कुछ जमीन पर लेट कर तड़पती रही। इस भयावह नजारे के बीच स्कूल स्टाफ भी छात्रों को नियंत्रित करने में असहाय साबित हुआ। आखिरकार कुछ की मदद ली गई, जिसके बाद एसडीएम बनी और मेडिकल टीम भी स्कूल में पहुंच गए। एसडीएम बनी और मुख्य शिक्षा अधिकारी से जानकारी मिलने के बाद मेडिकल टीम को स्कूल में भेजा गया था। टीम ने बताया कि छात्राएं अजीब व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसमें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत सामने नहीं आ पाई। सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। एसी है, सेंड करने। रक्षा किसकी करनी है? ये कर भी दो।